हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसकी आपको, अगर आप भी ट्रैवल करते हैं, लंबे लंबे टूर्स पर जाते हैं, जर्नी पर जाते हैं, बाय कार जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी इस प्रोडक्ट की कभी ना कभी ज़रूरत महसूस होती होगी। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कार के उन मैट्रेस की जो हम बैक सीट पर लगाकर उसको बेड बना सकते हैं। जी बिल्कुल सही सुना, हम कार में बनाएंगे बेड। तो हमने दो तरह के मैट्रेस को लिया है, जिसमें है फर्स्ट वाला है इन्फ्लेटेबल, सेकेंड वाला है नॉन इन्फ्लेटेबल। तो दोनों ही कैसे रहेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ी बच्चों की वजह से, हो सकता है आपको ज़रूरत किसी और वजह से पड़े, जैसे किसी को बैक का प्रॉब्लम होता है या कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, तो इस वजह से भी लोग इसको यूज़ करते हैं। बट हमारे साथ बच्चे ट्रैवल करते हैं, जब सो जाते हैं तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है उन दोनों को हैंडल करने में, तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि कैसे हम ये दोनों ही मैट्रेस को ले सकते हैं, कहाँ से हम परचेज कर सकते हैं, कितना कॉस्ट आपको पड़ेगा, कौन से वाला लेना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अगर आप भी लेने का सोच रहे हैं तो मेरी इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली डिसीजन लेने में आपको हेल्प होगा कि हमें कौन सा मैट्रेस लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और कौन सा बजट में रहेगा। उसके अलावा क्या क्या चीज़ें उस प्रोडक्ट में हमें साथ में मिलती हैं, कैसे उसको हमें बनाना है गाड़ी के लिए पूरा सेटअप, तो वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जब मैंने दोनों ही मैट्रेस को यूज़ किया तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हेल्प रहे अपना डिसीजन लेने में। ये है हमारा फर्स्ट मैट्रेस जो कि है इन्फ्लेटेबल, जिसमें हम एयर फिल करके उसको बेड बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसमें मिला क्या क्या है। तो जो सबसे बड़ी चीज आप देख रहे हैं वो है हमारा पूरा मैट्रेस, जो कि एयर फिल होने के बाद इसको हम अपनी गाड़ी में लगा पाएंगे। गाड़ी में मैट्रेस के नीचे अच्छा बेस बने उसके लिए हमें मिलती है एक और चीज, जो कि एक बलून टाइप से है और वो फुट स्पेस में चली जाती है और उसके ऊपर इस मैट्रेस का बेस बनता है। इसमें एयर फिल करने के लिए मिल जाता है हमें पंप, जिससे हम इसमें एयर फिल कर सके इजीली। पंप को आप कनेक्ट करेंगे अपनी गाड़ी में और आप उससे अपनी इसमें एयर फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें मिल जाते हैं पिलो, और साथ में अगर इसमें पंचर होता है तो उसके लिए भी हमें इसमें पंचर ठीक करने के लिए ग्लू मिला है और कुछ स्टिक टाइप का मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो फुट स्पेस पे जो बलून लगा दिया जाता है बेस के लिए, वहाँ से आपके फुट स्पेस की जगह चली जाती है, तो वहाँ आप कोई भी सामान नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा क्वालिटी इसकी ऐसी है कि अगर कोई भी शार्प चीज़ इसमें लगी तो बहुत ही जल्दी इसमें पंचर होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और हमारा सेकेंड टाइम में ही पंचर हो गया और उसको हम ढूंढ भी नहीं पाए हैं अभी तक भी कि उसमें कहाँ पंचर है तो हम उसको रिपेयर करवा पाएँ। बट हम रिपेयर करवाना भी नहीं चाहते क्योंकि मुझे बच्चों के हिसाब से बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा, स्टेबल नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही कभी कभी अचानक से ब्रेक लगती है तो याज्ञिक आगे की तरफ जा रहा था, क्योंकि नीचे भी जो उसमें सपोर्ट है वो सिर्फ एक एयर के थ्रू है तो उसकी वजह से वो नीचे दब जा रहा था, तो इसलिए मुझे ये ठीक नहीं लगा। अब अगर इसके प्राइस की बात हम करें तो प्राइस हमें जब हमने लिया था तो ये हमें अराउंड 1500 का पड़ा था। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा अभी कितने का है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट मेरी तरफ से बिग नो है ये। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड बेड की, जिसको मैं अनबॉक्स कर रही हूँ, जो कि हमने अभी मंगाया है। और इसको मैंने यूज़ करने के बाद, पहले मैंने इसको यूज़ किया है उसके बाद मैंने ये वीडियो पूरा आगे कंटिन्यू बनाया। तो अभी हम अनबॉक्स कर लेते हैं इसको और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिला है। तो इसका जो वेट है वो है 7 kg, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हमें मिलेगा क्या क्या और कैसे इसको हमें पूरा सेट करना है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमें सेट करनी होंगी। जैसा कि मैंने अमेज़ॉन पे पढ़ा था कि आपको इसको पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो निकालते हैं हम सबसे पहले इसको और देखते हैं क्या क्या मिला है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि अगर हमें बेड के रूप में इसको यूज़ नहीं करना है एज अ बेड, तो हम इसको एज अ बॉक्स बना सकते हैं और बॉक्स बनाकर हम अपनी गाड़ी के बूट में भी रख सकते हैं। तो ये हमें सबसे पहले मिला है, एक आई थिंक ये सामने सपोर्ट में आएगा वो है। तो इस तरह के हमें ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड, तो तीन पार्ट हमें इसमें मिले हैं।
तो इसको जब हम लगाएंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। इसमें साथ में हमें पॉकेट्स भी दी हुई हैं, बॉटल के लिए भी, टिश्यू बॉक्स भी है। तो ये हमारी तीन पार्ट अलग मिले हैं और ये है हमारा सबसे बड़ा मैट्रेस, जो कि मुझे काफ़ी सॉलिड सा लग रहा है देखने में। तो ऊपर की तरफ ये हमारा ऊपर की साइड में आएगा जो हमारा क्रीम कलर है, और ब्लैक वाला साइड हमारा बॉटम पे रहेगा। ऊपर इसमें फोम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें यहाँ पे फोम है, और यहाँ पर काफी सॉलिड सा कुछ है, काफी हार्ड है। तो ये काफी अच्छा है मुझे, मतलब साइड में इसमें सारा सॉफ्ट है, पूरा हार्ड नहीं है साइड में, लेकिन बीच में जो है वो पूरा हार्ड है नीचे की तरफ, और ऊपर काफी अच्छी फॉर्म है। तो क्वालिटी अभी मुझे इसकी काफी अच्छी लग रही है, बस कलर थोड़ा सा हमने लग रहा है गलत चूज कर लिया है, तो ये गंदा जल्दी हो जाएगा, मुझे इसके लिए फिर कवर ढूंढना पड़ेगा तो ताकि ये गंदा ना हो। तो अभी हम इसका ना मेजरमेंट कर लेते हैं, क्योंकि मेजरमेंट का हमें आइडिया नहीं था। तो हमारी कार है वरना, वरना में हम इसको लगा रहे हैं। तो अभी जो इसकी लेंथ मैं देख रही हूँ वो है 4 फीट, तो ये वाला पोर्शन इसका फोल्ड हो जाएगा, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो हम जो हार्ड वाला पॉइंट पार्ट है उसी को काउंट कर रहे हैं, और ये है हमारा 4 फीट 0.1। तो आप देख लीजिएगा आपकी कार की कितनी है लेंथ एंड विड्थ, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा आपकी कार में ये सेट हो पाएगा या नहीं। अब देखते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये बैठ रही है, अगर मैं इसको नापू तो ये बैठ रही है लगभग 2 फुट, 2 फिट पूरा है। तो हाँ, ये 2 फिट है पूरा, तो इसको हम 4 बाई 2 का हम बोल सकते हैं। तो जो सॉफ्ट वाला पार्ट है जो इजीली फोल्ड हो जा रहा है, तो उसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वही पार्ट काउंट कर रही हूँ जो हार्ड वाला है। तो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से इसका मेजरमेंट देख सकते हैं कि आपकी कार में ये फिट होगा या नहीं होगा। अब हम इसको बेड बनाना शुरू करते हैं, कैसे हमें पूरा बेड बनाना है। तो जो हमें तीन छोटे छोटे पार्ट मिले हुए थे, सबसे पहले हम उनको लगाते हैं कुछ इस तरीके से। जो हुक्स दिए गए हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छे हैं, और मेरे ख्याल से इस पे जंग भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये कनेक्ट करना है पहले सारे ही पार्ट्स को। एक तरफ इसमें ये वाले पार्ट्स कनेक्ट होंगे, तीनों पार्ट्स आप इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे, और दूसरी तरफ इसमें एक पट्टे टाइप का है बैक साइड में, जो कि हमारी बैक सीट के बैक साइड में जाएगा। और ये जो तीन पार्ट्स हैं ये जाएंगे हमारे जो ड्राइवर और को ड्राइवर का बैक साइड होता है वहां पर। तो इसको गाड़ी में हमें कैसे लगाना है वो भी मैं आपको गाड़ी में अभी लगा के दिखाऊंगी। तो अभी इस वाली साइड में हम दूसरा पार्ट जो हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा वो कनेक्ट करके दिखाते हैं। इधर हमें जिप दिया हुआ है, तो जिप के थ्रू हम ये वाले पार्ट को इसमें कनेक्ट करेंगे जब हमें इसको यूज करना है। तो ये देखिए इस तरह से जिप आप इसमें लगा लेंगे। जिप की क्वालिटी भी काफी अच्छी लग रही है, बेकार वाली क्वालिटी का या बिल्कुल लो क्वालिटी का जिप नहीं है, तो जिप की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो इस तरह से हमारा जो बेड है वो बनकर तैयार हो चुका है, और जब हम इसको सीट पे रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से स्टैंड हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट्स हैं, तो इस तरह से हमारा जो बेड है वो बनकर तैयार है। अभी ऐसा कुछ हमारा लुक देगा ये गाड़ी में। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इसको बेड बनाएंगे, अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि अगर आपको इसको यूज नहीं करना है तो आप इसको कैसे बॉक्स बना सकते हैं, और उस बॉक्स में आप सामान भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें जिप मिली हुई है, तो एक जिप है हमारे ये पूरा जो बेड है उसमें, और एक जिप है हमारे इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड कौन सा पार्ट लगेगा। जो जिस साइड इस वाले में जिप नहीं है उधर लगेगा ये वाला पार्ट, जिस साइड इस वाले में जिप है उसमें लगेगा दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने जिप को कनेक्ट कर लिया है, और अब हम इसको जिप को बंद करते हैं और बॉक्स में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको लगाते जाएंगे, दोनों ही बॉक्स हम अब दोनों ही साइड हम इसको बराबर से कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसको पलट देते हैं इस तरह से, तो अभी तक वैसे मैं जैसे इसको यूज कर रही हूँ बना रही हूँ तो काफी इजी है बनाना, तो अभी तक तो मुझे काफी सही लग रहा है ये प्रोडक्ट। बाकी यूज करने के बाद पता चलेगा कि कैसा रहता है और कितना हमारे लिए हेल्पफुल रहा, बच्चों के लिए कितना मैं यूज कर पाई। तो ये देखिए इस तरह से ये फाइनली हमारा बॉक्स बन चुका है, और आप इसमें सामान रखने के बाद इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अटक रहा है, ऐसे आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो बॉक्स है वो इस तरह का कुछ आपको दिखने वाला है, अगर आपको उठाना है
तो इन दोनों हुक्स को आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से। और दूसरा साइड भी मैं दिखा देती हूँ इस तरह से। तो आप इनको यूज करके, दो लोगों को उठाना पड़ेगा, तो इसको यूज करके आप इसको उठा भी सकते हैं। तो अब हम इसको दिखाएंगे आपको गाड़ी में। अभी हमने बिना गाड़ी के देखा कैसे हमें इसको बनाना है, कैसे हमें इसको लगाना है, कैसे बॉक्स बनाना है, तो सारा कुछ मैंने आपको अभी बता दिया है। अब गाड़ी में हम इसको कैसे यूज करेंगे वो बता दूं। तो बेड को अभी हमने ना बॉक्स बना रखा है, और बॉक्स में हमने रख रखा है काफी सारा सामान। ये देखो, हमने ना बेड का, जो बेड था हमारा, उसको अभी बॉक्स बना रखा है। इसमें हमने सामान रखा हुआ है अपना, काफी सारा सामान है हमारा, ठीक है। तो और इधर यागी बैठा हुआ है, नीचे बैठ गए वो, और इधर वंशु सो रही है। तो अभी हम जब इसको खोलेंगे ना, फिर मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। बेड बना के फिर हम सो जाते हैं। हमारा बेड अब जो है वो रेडी है, क्योंकि वंशिका सो चुकी है और यागी को भी सोना है, तो इसलिए हमने बेड लगा दिया है। और अब इस पे दोनों बच्चे आराम से सोएंगे, और जितनी देर सोएंगे ना, उतनी देर में ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये यूजफुल है या नहीं है। तो इसके नीचे भी ना अगर मैं आपको नींद आएगा तो सो जाओ। हाँ, तो ये देखो, इसके नीचे ना हमारा सामान, जो हमारा कैंपर था, और उसके पीछे एक बास्केट है, मतलब तो उसमें हम खाने की चीज़ें कैरी करते हैं, तो वो भी इसके नीचे हमने रखा हुआ है। और देखो, इसको ना हम दबा के भी दिखा देते हैं, तो इस तरफ भी ना, ये देखो, तो अच्छे से आप देख लो, काफी सॉलिड है, तो ये मुड़ेगा नहीं। हाँ, तो आपको नींद आ रहा है तो आप इस पे सो सकते हैं। यागी को नींद आ रहा है? हाँ? यागी कहाँ सोएगा? उधर उधर बेड पे। और हमने बेड लगा लिया पीछे, और बेड मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, वो जफरी था, क्योंकि तब हम नाश्ता करने के लिए रुके थे। तो अभी ना देखो, मैं पीछे आगे बैठ गई हूँ, और ये देखो, इधर वंशु खेल रही है, इधर यागिक है, और हमारा ये बैठ, उठ के बैठना भी बड़ा मुश्किल काम था। उसमें उठ के बैठने में ही वो पूरा इधर से उधर हो जाता था, तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, ना लेटने में और ना ही बैठने में। और कुल मिला के जो इसका एक्सपीरियंस मेरा अभी रहा, अभी तक का यूज करने के बाद, तो वो काफी सही है। तो इस बेड का जो प्राइस है वो 3200 था, तो अभी चेक कर लेना कितने का अभी मिल रहा है, आई डोंट नो कितना अभी प्राइस होगा। तो ये अलग अलग टाइम पर मैंने जब इसको यूज़ किया था, जब बच्चे सो रहे थे इस पे, तो मैंने अलग अलग टाइम के क्लिप्स लिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए ही। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल है, बच्चे आराम से सोए हुए हैं, और वहीं पास में मैं भी बैठ गई हूँ। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलूंगे आपसे नई वीडियो में नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।